एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मक्के के आटे की बर्फी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मक्के का आटा ले लिया है। इधर हम पहले इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो देखिए, फ्राईदान ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। तो देखिए, इसी गिलास से नाप कर 1 गिलास लेंगे। अब मैंने, देखिए ये छोटी कटोरी है, तो इसी कटोरी से नाप कर हमने 1 कटोरी चीनी लिया है। आप कोई सी भी कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको मीठा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग डालें। तो देखिए, यहाँ पे अब हम चीनी को डाल दिया है, और इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिलाते हुए चीनी को अच्छे से गलने देना है। तो यहाँ पे हम 1-2 इलायची डाल देंगे, और इसको अच्छे से चीनी को गला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चीनी अच्छे से गल चुकी है और अच्छे से पक भी रही है। तो इसमें 1-2 उबाल आ जाना है। तो देखिए, 1-2 उबाल अच्छे से आ चुका है। तो चलिए, हमारी ये चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए, अब इसको हम साइड कर देंगे। इधर हमने ले लिया है कढ़ाई। तो कढ़ाई में हम डालेंगे घी। तो देखिए, घी थोड़ा ज़्यादा इसमें लगता है फ्रेंड्स, भूनने में आटे को। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा घी लेंगे हम। तो देखिए, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, पर फ्रेंड्स घी से थोड़ा स्वाद और अच्छा रहेगा, बहुत ही टेस्टी बर्फी लगेगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो मक्के का आटा लिया है, अब इसे घी में डालकर अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए, इसको मिलाते हुए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम देखिए छोटी कटोरी से नाप कर 1 कटोरी हमने सूजी ली है। आप इसकी जगह पे बेसन भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसको हम मिलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, गैस को थोड़ा धीमा ही रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो तेज़ रखेंगे तो नीचे नीचे लगने लग जाएगा, तो ज़्यादा नहीं सही रहेगा। तो देखिए, इसको हम धीमी आँचों में भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए, हमारा ये जो आटा है अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हमने जो चाशनी बनाई है फ्रेंड्स, इसको हम इसी में डाल देंगे। तो चाशनी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हमारी चाशनी भी पकी हुई है और आटा भी अच्छे से भुन गया है, तो इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। अब इसको हम एक थाली लेंगे, और थाली में थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो इसको हम सब तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए, अब इसको हम इसी थाली में निकाल लेंगे। अगर आपके पास चौकोर डिब्बा है तो उसमें भी ले सकते हैं, या मिठाई का डिब्बा हो तो उसको भी ले सकते हैं, उसमें सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ थाली पे सेट कर रहे हैं। तो देखिए, इसको अच्छे से इसमें दबाते हुए अच्छे से सेट कर देना है, और करीब 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज में रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमने इसको सेट कर दिया है, घी ऊपर आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हम रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है। तो 10 मिनट के बजाय हमने करीब 20 मिनट बाद निकाला है। तो देखिए, अच्छे से सेट हो चुकी है, थोड़ी कटने में हार्ड हो रही है, थोड़ा ज़्यादा देर के लिए हमने रख दिया था फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको हम काट लेंगे चाकू की मदद से। तो देखिए, हमने इसको, आप कोई सा भी साइज़ दे सकते हैं, जैसे आपको मिठाई का साइज़ पसंद हो वैसा कर सकते हैं। तो हम चौकोर में काट रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत जल्द बन जाता है, और बहुत कम चीज़ों से बन जाती है ये मिठाई। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी हुई है, तो एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, हमने इसको प्लेटिंग भी कर दी है, और इसको हम बादाम से गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको बनाइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये मक्के के आटे की बर्फी कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।